तरीके के शू ब्रेक्स हैं तो उनको रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा ईजी हो सकता है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। इसको आपको ऐसे तरीके से करके खोल देना और अब हमारा शू ब्रेक हमारे हाथ में आने ही वाला है और ये आ चुका है शू। अब आपको इसके स्क्रू खोलने हैं जो आपके पास न्यू शू ब्रेक है। अब आपको इसको लगाना है यहाँ पे ऐसे करके और फिर आपको अपना स्क्रू वापस से टाइट कर लेना है।